most respectable show with two most respectable pilots and two most respectable guests. This is your Vijay Maham and Eid Mubarak to you all once again. कैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं माशा से यू गाइस आर द बहुत इंपॉर्टेंट सवाल क्या बच्चे दो महीने से रट यार ईद पूरे महीने रमजान के महीने याद किया कि फैसल भाई आएंगे ईद के शो में लेडीज फर्स्ट लेडीज फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं मेरे भाई भाभी आए हुए हैं फ्रॉम इस्लामाबाद एंड यू नो खाना पीना विजिटिंग पीपल ये वो एंड ईदी लेने की कोशिश लेकिन कभी मिलती नहीं देनी पड़ती है बड़े हो गए बड़ों को मना हो जाता है अब तो ईदी देने का वक्त आ गया आपको कोई ईदी ना दे नहीं आप दे फोन सीधी ले जाए बचपन में तो बहुत अच्छी तरह किया करते थे लेकिन चार साल पहले तक से बहुत सादगी में आ गए क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में जब आप ऑफिस बेरर बनते तो फिर आप अपने लिए ईद नहीं मनाते बल्कि आप अपनी ईद को सेलिब्रेट करते हैं अपने कारकुनों के साथ शौदा के लवाइकीन के साथ हल्का इंतखाब के साथ तो उसमें भी इतने मसाइल सामने आ जाते हैं कि वो ईद जो है वो फिर गमगीन सी हो जाती है लेकिन कोशिश करते हैं और उसमें आप लोग का बड़ा किरदार है अदाकार बिरादरी का कि आप जो खुशियां बांटते हैं और दुखी दिलों को खुश करते हैं एक बार फिर आपको सलाम थैंक यू सर थैंक यू शुक्रिया फैसल भाई कंजूस कितने हैं आप ये बताएं बहुत ज्यादा क्या क्या कंजूस है किस इंतहा पे किस उसकी वजह ये है कि आदमी को पैर उतना फैलाए जितनी चादर हो मैं तुम्हें समझा रहा था सर यकीन करें मेरा मेहमान दोस्त इतना कंजूस मेरे घर के सामने मेहमान रहता है उसके घर के बल्ब की रोशनी मेरे कमरे में आती है सर प्रैक्टिकली मैं एक कंजूस आदमी अच्छा लेकिन नजर व नियाज हो सिलसिले हों दरूद सलाम की महफिलें हों उसमें फिर मेरे से ज्यादा हाथ खोक वाह 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 ये तो अच्छी बात है उसमें दिल खुश होता है नहीं, उसमें भी एक लालच है ना क्या परवरदिगार ने कहा एक दो में 70 दूंगा तो ये कारोबार अल्लाह से तिजारत करो बिल्कुल सर पसंद है खीर खुरमा पसंद है स्पेशलिटी खीर खुरमा कहाँ से आ गया बीच में मुझे मुझे ख्याल है ना क्योंकि मुझे नहीं पसंद मैं नहीं खाती मैंने कहा आयशा से पूछ ली उनको पसंद है कि नहीं आयशा जी आप कितनी कंजूस हैं किस तरह की कंजूसी किस तरह की करती हैं इस तरह की करती हैं जिस तरह की करनी चाहिए उस तरह की करती हैं जिस तरह की नहीं करनी चाहिए नहीं मैं कंजूस बिल्कुल नहीं हूँ काश होती मे बी मैं कुछ सेव कर लेती अब तक लेकिन नहीं बिल्कुल भी नहीं सर आप यकीन मैं क्या भूल गया मैं सुना रहा था सर मेरा मेहमान दोस्त मेरे घर के सामने रहता है उसके घर के बल्ब की रोशनी मेरे कमरे में आती है सर यकीन करें परसों बिल लेने आ गया दिस इज अ ट्रू स्टोरी आई हैव टू डिलीवर यू सर क्या बात है मेहमान मैं आई एम ऑल्सो मेहमान सर फ्रिज में 5 किलो गोश्त पड़ा हुआ है फिर भी रोटी दाल से ही खानी है कितनी कंजूस नहीं ये तो यार ये तो मैं सर यकीन रमजान के कैलेंडर छपा रहा था मेरा दोस्त मैंने कहा याकूब एक कैलेंडर मुझे भी दे दो कह रहा रोजा कौन सी तारीख को मैंने बोला 15 तारीख को कह रहा तेरे को कैलेंडर की क्या जरूरत है तेरा तो अपना दिमाग काम कर रहा है मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं लेकिन मैंने चूंकि कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स का जनरल सेक्रेटरी रहा और मेजोरिटी मेहमान मेरे से रबते मैंने लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि सरेरा जितनी अफ्तार लोगों को मेहमान कराता कोई कराता नो डाउट अच्छी बात बहुत अच्छी बात तो सरकार दो आलम से जो उनकी मोहब्बत और अकीदत है हम उसको ज्यादा अच्छी निगाह से देखेंगे और उनको सलाम देंगे अच्छा फैसल भाई पुलिस से वास्ता पड़ता है मतलब पहले जब पड़ता था तो किस तरह से हैंडल करते थे पुलिस को या पुलिस पहले जब पड़ता था उस वक्त भी यही स्टाइल था हैंडल करने का क्योंकि जब तक आपका कॉलर साफ दुनिया में आप पे कोई ताकत नहीं है जो उंगली उठाए और बल्कि एक बुजुर्ग मिसाल दिया करते थे कि जब तक लड़की खुद ना चाहे किसी बदमाश में हिम्मत नहीं कि उसको तंग करे पुलिस का जो फार्मूला ये तो ये मैं समझाता रहता हूँ ये तो पुलिस वालों को कह रही है गन का मुंह ऊपर की तरफ रखो ये गर्मी से भी चल जाती है वैसे वो सही कह रही है हमारे पास जो पुलिस वालों के पास गन है ना वो गर्मी से गर्मी से भी चलती है सर ये इन्हें जून जुलाई में ऑपरेशन करना सर इसको लेट कर रहा था सर इसको पुलिस वाले शुक्र करें कर तो रहे हाँ चले इसको पुलिस वाले ने रोका पुलिस वाले को कह रहा शायद आप मुझे जानते नहीं उसने बोला भाई कौन हो आप कह रहे हैं SHO तौकीर ने भी मुझे एक बार पकड़ा था सर पुलिस मेरे एक दोस्त था बहुत बड़ा इंस्पेक्टर सर अब बेचारा सिपाही हो गया क्यों वो हथकड़ी बेच के चाय पी गया सर ट्रेल स्टोरी हैव टू डिलीवर यू उनकी तनख्वाहें कम है इस तरफ गवर्नमेंट को सोचना आयशा से भी तो पूछ आयशा जी आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट्स क्वेश्चन आस्किंग दैट्स व्हाई आई एम फोर आस्किंग वन क्वेश्चन लॉट ऑफ हीरोइन गिविंग अ लॉट ऑफ एटीट्यूड फॉर एवरीवन डू यू थिंक देयर इज अ सुटेबल फॉर हर दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड सब्स्टिट्यूट और इंस्टीट्यूट प्लीज शेयर अस नहीं आई डोंट थिंक एटीट्यूड बिल्कुल भी देना चाहिए किसी को भी एंड हो सकता है कि ये आपकी मिसकंसेप्शन हो गई उनका एटीट्यूड हो लेकिन इस इंडस्ट्री में पर्सनल यू आर नॉट एटीट्यूड यू आर नाइस ह्यूमन बीइंग थैंक यू दैट्स व्हाई यू आर इंडस्ट्री में रिजर्व रहना लड़कियों के लिए अच्छा है अगर वो मिस यू नो इंटरप्रेट हो जाता है फॉर एन एटीट्यूड प्रॉब्लम तो आई थिंक दैट्स बेटर रादर देन के कोई बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो अच्छा यू हैव आउटस्टैंडिंग ब्यूटी हाउ डू यू मैनेज दिस टाइप ऑफ ब्यूटी यू डू एनी एक्सरसाइज सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज
यार ये क्या है यार, किस तरह का सवाल है? नहीं प्लीज, इज अ जनरल क्वेश्चन। हाँ मकसद है कि क्या, किस तरह से अपनी, हाउ डू यू मेंटेन योर बॉडी? इट्स मैंने मतलब हाउ डू यू योर ब्यूटी, ब्यूटी ब्यूटी यानी कि एक्सरसाइज करती है आप, क्या करती है? यू आर लुक लाइक अ गुड हीरोइन। नहीं कोई कुछ भी नहीं करती, इट्स नेचुरल गिफ्ट मेरी जीन्स में, मेरे पेरेंट्स की तरफ से। अगर आपको ये ब्यूटी लगती है तो थैंक यू, लेकिन नहीं है, मेरी तरफ से स्पॉन्सर। क्या मतलब है यार, मैं ब्यूटी ड्रेसेस ये कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा फैसल भाई, आप शादीशुदा हैं? यू आर मैरिड? अरे व्हाई आर यू नॉट मैरिड सो देरी? व्हाई? वक्त नहीं मिला किसको, आपको उनको? नहीं मुझे नहीं सर, कभी कभी आधा घंटा भी नहीं मिला। शादी तो आप 10 मिनट का काम है, 2.5 साल से तो मैं अपने शहर में नहीं हूँ जी। तो फिर जब मैं बताऊँ ना आपको, उसमें थोड़ा सा एक फार्मूला आ गया। जब मैं गरीब था, किसी ने मुझे लिफ्ट नहीं कराई, जब साहिब हैसियत हो तो वक्त नहीं। अगर गरीब गुर्बत के वक्त में किसी ने लिफ्ट कराई होती तो आज मेरी भी। तो भाई ये कैसे मिलेगा वक्त आपको, कब मिलेगा? या सर कब वो वक्त बता दे, वो वक्त हम उस वक्त के साथ आ जाएं लेकर। शादी के गाने से लिख के रखे हैं फैसल भाई। गाओ गलियों फूलों गलियों गौर से सुनो, ये है मेरी दुनिया तुम इनसे मिलो, ये है मेरी दुल्हन तुम इनसे मिलो। इंतजारो शोक इंतजारो गाते पंछियों, मैं आपसे फला जगह ये बात हो रही है, तो मैं उनसे बोलता हूँ मुझे भी ला दो। सर कुछ लोगों को तो 18-18 बच्चे उन्होंने गिनना छोड़ दिए, पता क्या 2 महीना फिर बढ़ जाए। लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको कि ये चैप्टर पहले मेरे पास था, मैं फेल हुआ, मैंने अपनी वालिदा को दे दिया कि आप जो दिल। अच्छा सर, डू यू सपोर्ट मैडम, यू सेम क्वेश्चन आप बांट लीजिएगा, व्हाट डू यू थिंक, डू यू सपोर्ट अरेंज मैरिज और लव मैरिज? प्लीज फर्स्ट अरेंज मैरिज, और अरेंज मैरिज के बाद जो लव की इब्तिदा होती है वो आपकी नस्ल को बनाती है। सुन लो मैरिज से पहले जो लव होता है उसमें फिर एक फार्मूला वाजिब आता है कि शादी के बाद बच्चे अपने और औरत दूसरे की अच्छी लगती है, आप खुद फैसला करें। बात सुनने के बाद तो मैं भी अरेंज मैरिज ही हूँ। मैं लव मैरिज को बहुत सपोर्ट करती थी क्योंकि मेरी पेरेंट्स की लव मैरिज माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। हमारी भी इंशाल्लाह लव ही होगी, आप आइएगा। अच्छा इन योर डोंट टॉक टू मी लाइक दैट, ओके क्या कह रही है बरकत, ठहरो अभी आज शादी कर लेंगे। अच्छा इन योर पर्सनल लाइफ, बोथ ऑफ यू सेम क्वेश्चन, इन योर पर्सनल लाइफ यू आर रिस्पॉन्सिबल और डिस्पॉसिबल? यानी आप कितनी डिस्पोजेबल? सर यू आर सो स्ट्रिक्ट? वेल आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड आई एम स्ट्रिक्ट, बट द मेन थिंग इज दैट के जो हयूद और कयूद मुझे मेरी शरा ने दिया है, अगर मैं उसके तहत पाबंद करूं तो वो अच्छा लगेगा, इससे कबल के तालिबान आके शटल कॉक का बुरका पहना। अच्छा ये बताएं जब गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? वैसे तो हम टीवी पे देखते रहते हैं आप लोग गुस्से में, लेकिन यू आर सो लाउडर, बट यूर पर्सनल लाइफ यू आर सो आउडर। मेरी कोशिश होती है कि मैं तना हो जाऊं फौरी। अच्छा अकेले हो जाए? अकेले हो जाऊँ, और उसके बाद फिर मैं अपने आप से पूछूं क्या मेरी इसमें गलतियां क्या हैं, फिर मैं अगर उसकी इसलाह करके दोबारा आऊं और मैं गलत हूं और सबसे पहले आके अगर आपसे माफी मांगूं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मैं तकब्बुर के जमरे में आ जाऊं तो फिर तकबुर सिर्फ अल्लाह। असल वही वाली बात है कि झुकता वही है जो जिसमें ताकत हो। फलदार? हाँ फलदार, बिल्कुल। तो गुस्सा इंसान की फितरत है, और 33 साल की उम्र में गुस्सा नहीं आएगा तो भाई क्या आएगा? अरे अभी 33 साल के बाद अगर ज्यादा गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? तो फिर वो ज्यादा गुस्सा आता है तो खामोशी इख्तियार कर लेना, ये बेहतर है। नो आंसर इज द बेस्ट। अच्छा फैसल भाई, कभी किसी ड्रामे वगैरह फिल्म वगैरह से ऑफर हुई? क्योंकि आपकी आंखें भाई कमाल है कसम से सर, मेरे भाई की आंखों से आप विलन का रोल भी कर सकते हैं शक्ति कपूर की जगह। और विच टाइप हीरोइन विलन हीरोइन हीरोइन आर यू लाइक इट, एन एक्स्ट्रा डांसर? मैं आपको बताता हूँ, आज से एक महीना कबल जो है एक फिल्म साज है आपके, आजकल इंडिया में फिल्म बना रहे हैं, इत्तफाकन मुझे मिले, कहने लगे जी मेरा एक मेरे पास एक रोल है आपके लिए। मेरा हीरो का कहता है नहीं विलन का। मैंने बोला विलन क्या करेगा, कहता है डॉन है। मेरा अल्लाह सर ये विलन क्या करेगा, आपने पूछा? पहले विलन नहीं करेगा, जो सामने वाली हीरोइन वो करेगी। मैंने आपको सिर्फ बताया जो फैक्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ। मतलब लोगों के पास शायद ऐसा परसेप्शन है कोई मैं हलाकू खान हूँ या ये है, तो अगर ऐसा है और इसके अंदर मुआशरा मेरी इज्जत को महदूद करता है तो मैं इसमें खुश। सर आपको इस शो में इसलिए बुलाया ताकि लोगों को पता चले कि आप हलाकू खान नहीं है। यू आर पर्सन लाइफ, यू आर सो क्यूट, यू आर सो क्यूट, यू आर सो स्वीट, यू आर सो पॉजिटिव, यू आर सो एनर्जेटिक। कुछ महान के बारे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये बच्ची मेरे सामने मुस्कुरा रही है, दुआ दे रहे हैं। अच्छा नहीं आप बैठ जाओ, खुश फैमिली हो। अभी मैं आपसे पहले अनमैरिड हूं। कभी कभी तो सर क्या करें,
मैं आपसे पहले अनमैरिड हूँ। सर ये ना करें सर, पता बच्ची जब मुस्कुरा रही है तो फिर मुझे यकीन हो गया कि मैं नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। माशाल्लाह से इतनी अच्छी पर्सनालिटी और इतने हम्बल इंसान है आप। अगर पर्सनालिटी ऐसी भी होती है कुछ लोगों की, उनकी लुक ऐसी होती है कि लगते हैं कि बड़े गुस्से वाले होंगे, बात किए तो थप्पड़ लगा देंगे। मैं आपसे अर्ज करूं कि गुस्से वाला कोई नहीं होता, लेकिन सोच जो है ना आदमी को हमेशा मसरूफ रखती है, तो शायद चेहरे पे ऐसे इंप्रेशन आते हैं आपको कि आपको गुस्सा है। हालांकि ये हमारी आर्टिस्ट बैठी हैं और भी आर्टिस्ट हैं, और मैं समझता हूं कि आपको इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट नजर आएगी, क्योंकि इनके पास शायद वो टेंशन नहीं है जो हमारे पास। बिल्कुल डिफरेंस तो बिल्कुल है। यहाँ पर एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन हमारे साथ रहिएगा, हम वापस आएंगे।